तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं कुछ अलग चीज से। बेसिकली मुझे कल सुबह एक किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि मेरे पास उस लिस्ट ऑफ डेटा है या लिस्ट ऑफ नेम, समझ लीजिए लिस्ट ऑफ नेम है, इनको मुझे हिंदी में टाइप करना है या किसी अलग लैंग्वेज में, हिंदी नहीं मान लीजिए किसी और लैंग्वेज में, रीजनल लैंग्वेज में टाइप करना है, तो कैसे करें? सर रिकॉर्डिंग का परमिशन किनको चाहिए रिकॉर्डिंग का परमिशन? ऋषिकेश गौतम। हाँ गौतम, क्वेश्चन प्रॉब्लम समझ में आया? प्रॉब्लम क्या है, आई हैव द लिस्ट ऑफ नेम, मेरे पास तकरीबन 348 क्योंकि इंग्लिश में टाइप है, मुझे हिंदी में टाइप करना है। तो कैसे कन्वर्ट करें? देखिए एक्सेल में इसका कोई उपाय नहीं है क्योंकि तो रिव्यू में हमारे पास ट्रांसलेट का ऑप्शन होता है, हम इसको स्क्रीन करके ट्रांसलेट करके देख सकते हैं इंग्लिश टू डिफरेंट लैंग्वेजेस में, बट मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ, समझे? अब यहाँ पे ये हमारा इंग्लिश डायरेक्ट लैंग्वेज इंग्लिश है, मुझे इसको हिंदी में करना है, अब मैंने यहाँ पे हिंदी कर दिया, तैयार है। और प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रहा है कि अब इसको मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकता, ठीक है सर, लेकिन ऐसा करने में अगर मान लीजिए तो अगर 10,000 नेम है तो काफी टाइम लगेगा ना सर। इसका सॉल्यूशन मैंने एक्सेल में नहीं ढूंढा, मैं ढूंढा हूं एक्सेल पे, गूगल सीट पे। तो सबसे पहले हम अपने गूगल ड्राइव को खोलेंगे, एक सेकेंड कीजिएगा। सबसे पहले हम गूगल ड्राइव सबके पास होता है, गूगल ड्राइव में इस फाइल को हम अपलोड कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि तो हमें इस फाइल को खोलना है गूगल सीट के ऊपर। हम इसको अपलोड करते हैं, उस फाइल को खोलते हैं। हेलो हाँ बोलिए। मैं कोई ब्रांच नहीं, हमारी क्लासेस ऑनलाइन होती है, रिमोट से मैं आपसे बात करता हूँ, क्लास ले रहा, क्लास पर बात करता हूँ। तो यहाँ पे आपका खुला, इसको आप ओपन विद गूगल सीट कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है
ड्राइव में करें, आप जो है इसको एक्सेल मेल पे भी कर सकते हो। जैसे मैंने किसी को मेल किया है, या फिर आप इसको अटैच कर लीजिए। मैं इसको मान लीजिए किसी को भेज दिया, या मैं खुद को ही भेज देता हूं। उसको आप लोग जीमेल पे मेल कर दीजिए, जीमेल तो आप लोग यूज करते ही हैं। और फिर इसको आप यहां ओपन कीजिए, ओपन करते ही आपको ओपन विथ आएगा। ओपन विथ में गूगल सीट को क्लिक कर लीजिए। एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि मेरा जो फाइल था ये फाइल एक्सेलस एम में था। आई लग रहा है एक्सेलस एम जो है, हाँ एक्सेलस एम ले लिया, सॉरी इसने मेल पे नहीं किया, गूगल ड्राइव में हो गया। अब इस पे एक फॉर्मूला, गूगल सीट जैसे एक्सेल में फॉर्मूला होता है, ऐसे गूगल सीट के भी फॉर्मूले होते हैं। तो गूगल सीट में देखिए गूगल ट्रांसलेट करके आपको आ रहा हो, इसको हमने क्लिक किया। अब इसमें बोलता है टेक्स्ट, किस टेक्स्ट को, इस टेक्स्ट को किसमें करना है। तो हमने बोला ओरिजिनल मतलब पहले से क्या है, तो हमने ईएम मतलब इंग्लिश है, और किसमें करना है तो एच आई, उसका फर्स्ट टू लेटर लिखना है एच आई, हिंदी के एच आई, और हमने यहां पे एंटर कर दिया। देखिए आ गया ना, अब मैं इसको नीचे की तरफ ठीक है सर, सर हो गया ना सर। लेकिन इसमें कुछ नाम है जिसको कन्वर्ट नहीं किया, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये ऑलरेडी इंग्लिश है, ये सिद्धार्थ द्रम, तो ये इसको कन्वर्ट नहीं कर पाया, कन्वर्ट नहीं कर पाया कि सर हर चीज को नहीं मिला सर, इसलिए। अच्छा, अगर सर हम इसको जैसे हिंदी में लिखते हैं वैसे नहीं हो पाएगा? नहीं, हिंदी में टाइप आप कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है समझे, हिंदी में अगर आप टाइप करते हैं तो वो अलग चीज है सर। अच्छा, अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, सेव ही हो जाता है। सेव होने के बाद मैं इसको ये करता हूँ, डाउनलोड करता हूँ, डाउनलोड एक्सेलस एम। तो मुझे ये देखना है कि क्या गूगल ट्रांसलेट का फॉर्मूला इस पे काम कर रहा है। यस, काम कर रहा है। तो नई चीज सीखी आज आपने सर, ट्रांसलेट भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। गूगल ट्रांसलेट एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, उसका भी इस्तेमाल आप यूज करेंगे तो आपको बहुत नई चीजें सीखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है, ओके सर। तो ऐसे हम गूगल, हमने गूगल सीट की भी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है। तो मैंने सोचा ये नई चीज है, क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम भी आई थी। बेसिकली मुझे कब इसका यूज कब हुआ था कि मेरे पास एक डॉक्यूमेंट बॉन्ड पेपर था, बेसिकली मैं काम करता था आई सिक्योरिटी ग्रुप में, है सर। तो क्या जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स थे, तकरीबन आई थिंक 3200 के आसपास सिक्योरिटी गार्ड्स थे उस कंपनी में, तो हर वो एक लेटर मेमोरेंडम लेटर था, वो लेटर को साइन करना था, लेकिन वो लेटर इंग्लिश में करते। तो इंग्लिश टाइपिंग जो है अलग है, आप एक लेटर लिखे उससे शॉर्ट लिखे फॉन्ट चेंज कर ले, लेकिन सब पूरा मैटर सेम था, बस नाम और फादर नेम चेंज कर। ठीक है, तो उस समय गूगल सीट का यूज नहीं होता था, तो उस समय हमने यूज किया था गूगल ट्रांसलेटर।
ठीक है, गूगल ट्रांसलेटर अब से गूगल ट्रांसलेटर में तो आपको एक एक करना पड़ा होगा। नहीं नहीं गूगल ट्रांसलेट में उस समय क्या था, मोजिला नहीं था, क्रोम पे आई थिंक। तो ट्रांसलेटर में हमने क्या किया था कि पूरी एक्सेल सीट का डेटा कॉपी पेस्ट कर दिया था इस, और इसको हमने यहाँ हिंदी में चेंज कर दिया। आगे सर, लेकिन क्या है कि इसने सारे नाम नहीं चेंज किए, देख रहे नीचे आपको सब बहुत सारे नाम इसको छोड़ दिए इसने, लेकिन हमने हमने क्या किया, थोड़ा थोड़ा किया था, पूरा नहीं किया था एक साथ में, और फिर हमने इसको उठाया जैसा है वैसा, और हमने इसको कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद फिर हमने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सर सर ठीक है, कि इस तरह की चीजें हर जगह काम नहीं होती, क्योंकि हमने ये चीज बताया था आप ऐसे कर लें, लेकिन वो नहीं कर पाया। लेकिन फिर हमने दूसरा गूगल सीट का तरीका निकाला फॉर्मूला से। अब ये देख रहे हैं इसमें आप भी देख लीजिए कि बहुत सारे नाम किया, जैसे अभी यहाँ पे प्रेम प्रेम वर्मा इसने कर दिया, बट गूगल ट्रांसलेट ने नहीं किया क्योंकि प्रेम वर्मा कैप्स में लिखा हुआ था। अब यहाँ कुछ ऐसे भी है, वीरेंद्र कुमार यहाँ है तो इसने कुमार को किया, पर वीरेंद्र को नहीं किया, वीरेंद्र कुमार यहाँ कर दिया। अब मान लीजिए कि अगर मान लीजिए 10-20 हजार, मान लीजिए कि अगर 3200 मेरे सिक्योरिटी गार्ड दे, तो उसमें से अगर मान लीजिए कि उसने 2900 को कट दिया, 2-300 को मैनुअल भी किया जा सकता है, या फिर दोबारा हम उसको अलग करके ट्राई कर सकते। तो जब मैं पहले ही बोलता हूं कि ऑटोमेशन 100% नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली लास्ट क्लासेस में हमने क्या किया था इस बैच में, सुनायन जी क्या पढ़ाया था लास्ट क्लास में मैंने आपको? फॉर्मूला शुरू किया था लेकिन पढ़ा नहीं पाए थे पूरा, कैलकुलेशन वाला ना, हाँ कट गया था। वो भी नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, मैं वापस आ गया हूँ तो आप कोई दिक्कत नहीं। वो मैं भी गांव में सर, मेरा टाइमिंग सुबह वाला छूट गया था सर। क्या सर? बोलिए। सुबह जो पढ़ाया था ना सर, वो मेरा छूट गया था पूरा। कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ा दूंगा, उससे पहले का बैच है। तो हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे, चलिए इसी क्लास में आगे भी इसी चीज को डिस्कस करें।